तांत्रिकों से मिला भाई मैं ऐसे ऐसे क्या बताऊं एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है पागल कैसे उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई जिसको बोलते ना एंटिटी कच्चे कलवे सुना होगा आपने छोटे बच्चों की जो बच्चों की, हाँ तो उसने वो अब अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए भाई उसने क्या करा है? एक बच्चा किडनेप कर लिया अच्छा छोटा सा अपने गुरु के कहने पर अब अब क्या था ना कि वो बंदा था वो अपने गुरु से रोज़ बोला रोज़ बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो मेरे को ये करा दो वो करा दो उसका गुरु पहले तो लेकिन भाई वो एक दिन है ना उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई जो इनके पास आते थे जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो तो वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी और और एनर्जी बहुत हाई चाहिए वरना तो आप पागल हो सकते हो अब भाई एक बंदा था उनके पास उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है वो रोज़ पीछे पड़ जाए इनके वो एक दिन आया भाई चक्कू उक्कू ले के, आप मेरे को सिद्धा प्राप्त करा रहे हो मैं अपने यहीं पर कर दूँ अपना तो उसने कहा तू एक काम कर एक बच्चा ले ले और उसको दो साल पहले पाल पोस उसको अच्छे से रखा और भाई उसने एक बच्चा घटनाप कर लिया बंदे ने गांव से उसको पाला पोसा दो साल तक उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था हर एक ख्वाहिश हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता था खुश रखा मतलब उसको अब दो साल बीत गए और दो साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरु जी आज उस गुरु ने एक डेट बताई उसको भाई एक काम कर तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ ले आइयो शमशान साधना करनी है ऐसे ऐसे वहाँ पर बैठ के तेरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वो लेके आ गया भाई अब ट्रस्ट नहीं करोगे भाई आप उसके गुरु ने बोला आप बैठ जाए यहाँ पे पहले उसकी साधना करवाई बच्चा खेल रहा था कह रहे अब जाके इसकी गर्दन काट दे अच्छा क्योंकि मरे हुए बच्चे का दिल लेना होता है इसको करने के नहीं वही बच्चा उसकी साधना पूरी करता जो भी उसको चाहिए था कच्चे कलवे की एंटिटी ये तो एक बलि की तरह ही हो गया कि जैसे से हाँ। दी जाती है उसने उसकी बलि दे दी तभी के तभी और भाई

अगर वो ख़त्म हो जाता तो उसके किसी परिवार पे बड़ी सिद्धियाँ भाई इंसानों के बस की थोड़ी है सिद्धियाँ आप तंत्र के बारे में पढ़ोगे ना अलग चीज़ें हैं भाई और जिस जिस एंटिटी को आप सिद्ध कर रहे थे तो आपके गुरुजी ने ये भी बताया था कि भाई बदले में तुझे ये देना होगा इस एंटिटी को क्या भोग है? मांगती है क्या मां, काम करती है तो ये बदले में ये लेगी ये धनलक्ष्मी ये वो काफ़ी सारी जो कर्ण पिशाचनी है ये है वो याक्षिणी होती हैं लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगी अच्छा हाँ पर बदले में कुछ नहीं बदले में कुछ नहीं था तभी मैंने भाई सेफ ऑप्शन सेफ ऑप्शन चुना तभी मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा देखा क्या है सीन तब जाके धनलक्ष्मी या अश्विनी को मैंने कहा भाई ये करते हैं लेकिन भाई मैं बट तो अगर उप्षन... जैसे आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई और अभी तक आपकी हेल्थ में या बिजनेस में किसी में नुकसान देखा है आपने भाई हेल्थ वेल्थ में तो कोई नुकसान नहीं आया थोड़ा सा ना आप मेंटली थोड़ा सा दबे दबे फील करते हो थोड़े दिन तक ठीक है लेकिन उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा मैं मतलब मेरा ना रुझान ही हट गया दोबारा कि यार ये है ना गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ वही सबसे सही है और वही साधना सबसे अच्छी है अपना पूजा पाठ उससे आपकी लाइफ में है ना मतलब इन ये ये चीज़ें है ना भाई आपको कंप्रेस कर देंगी ग, गलत लेवल पे भाई आप तंत्र सेक्स के बारे में बात बता रहे थे कुछ तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या है क्या वो भाई तंत्र सेक्स क्या है ना सेक्स मैं आपको कम मजा आता है बताओ क्लाइमेक्स पे क्यूं? क्यों क्योंकि क्लाइमेक्स पे तो तुम एकदम एकदम पीक पे होते हो क्या होता है उस टाइम दिमाग में थॉट्स ही होते हैं माइंड फ्री होता है शून्य जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है कोई कुछ सेकंड्स के लिए उस टाइम कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में आप सिर्फ उस चीज को फील कर रहे हो और ये टेक्निक है मैं बताता हूं कैसे स्पन के अंदर क्या आपको पता है लाइफ कोर्स कि एनर्जी पहले चक्कर से लेकर सातवें चक्कर पे आप कोई एनर्जी उठा रहे हो ना तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं शून्य ध्यान बोलते हैं उसी को तंत्र बोलते हैं हमारी बॉडी एक तंत्र है. यंत्र भी है, तंत्र भी पांचों तत्वों से बनी है आप इसी से सारे यंत्र तंत्र कर सकते हो आपके अपने माइंड को शून्य करने का यानी कि भ्रम ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है सॉरी तीन तरीके हैं जो मैंने बताया उसमें कि 112 विधियों में से तीन विधियां जो है वो तंत्र सेक्स है जिसको तांत्रिक सेक्स भी बोलते हैं अब उसमें क्या है अब जैसे आप सेक्स कर रहे हो पीक पे हो आप अपने ना आप जैसे हम यूरिन कर रहे हैं हम यूरिन रोक सकते हैं ना तो उसमें प्रोस्टो प्लोस्टोग्लांट्स जो होते हैं हमारे वो काम करते हैं आप ऐसे ही स्पम्प्स को भी रोक सकते हो ठीक है और जब आप उस पीक पे हो और आप जब सोच रहे हो तो आप है ना यहां पर आज्ञा चक्कर पर अपने फोकस करो और जो वो कुछ सेकंड के हम जो फील और प्लेजर होता है ना वो कई मिनटों में बदल जाता है और आपका जो स्पम होगा वो भारी इजक्युलेट नहीं होगा और उससे आपका जो एनर्जी है वो ऊपर उड़ जाएगी ये प्रॉपर टेक्निक लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर तंत्र सेक्स में सिर्फ यही चीजें नहीं है भाई टेक्निक लोगों की जो लाइफ है ना नॉर्मल लाइफ है तंत्र सेक्स के अंदर बता रहा हूँ मैं तंत्र में नहीं जो नॉर्मल लोंडो की जो लाइफ है ना भाई ये अपनी टाइमिंग कैसे आप होल्ड कर सकते हो वूमेन्स को मैनी टाइम्स आप कैसे करा सकते हो बहुत सारी टेक्निक है भाई तंत्र सेक्स के अंदर और ये प्रैक्टिकली है भाई प्रूविबल है प्रूव है।, है ऐसा नहीं है भाई है, मैं, मैं मतलब समझ रहे हो समझ समझ गया है चीजें